जोकि बहुत इंटरेस्टिंग है आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी की आज की एक्सरसाइज किस बारे में है और आज का लेसन किस बारे में चलते हैं बोर्ड की तरफ

आज हम करने वाले हैं लेसन टू लेकिन उससे पहले रिवाइज करते हैं उन बातों को जरा बोर्ड पे लिखते हैं और देखते हैं कि वो क्या है हम रिवाइज करते हैं रिफ्लेक्सिव नाउन हमने कहा था रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है वो आया है वर्ड रिफ्लेक्ट से जिसका मतलब है अक्स किसी चीज का या अगर हम करें कि किसी चीज का इफेक्ट जो होता है ठीक है हम दो वर्ड्स में इसको मजीद इजी वर्ड्स में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले ऐसी ऐसा ऐसा वर्ड जिसका इफेक्ट प्रोनाउन प्रोनाउन के ऊपर जाता है है हमने कहा था कि ये यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स यानी जब हम नाउन्स की बात करते हैं नाउन एक सेंटेंस में तो लिख लिया दूसरे तीसरे चौथे सेंटेंस में पूरे पैराग्राफ में हमने नाउन्स नहीं बार बार यूज करने बल्कि हम प्रोनाउंस यूज करते हैं और प्रोनाउंस कौन कौन से थे लिखवाइएगा मुझे वेरी गुड शी ही वेल डन इट एक मैं लिख देती हूँ हमारे nice. so पास फाइव बेसिक प्रोनाउंस है इन्हीं को यूज करते हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल जो हमने कल देखी थी हम यहां लिख सकते हैं हर सेल्फ हर सेल्फ किसके लिए यूज हुआ था वो मैं अभी इसके ऊपर लिखूंगी हिमसेल्फ सिर्फ तीन लिखते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं themselves". आप देखें हर सेल्फ किसके लिए यूज किया गया था हर से मुराद यानी हम बात कर रहे हैं फीमेल की पर लगाया हुआ है क्योंकि देम से मुराद ज्यादा लोग सो so, देम का वर्ड जब हम यूज करेंगे जब देम की प्रोनाउन यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका बनेगा ये थी पार्ट वन की रिविजन दैट इज डन मूविंग ऑन टू द दिसकेंड पार्ट जो हमारा था टाइम क्लॉज हमने बात की थी कि हमें टाइम का तो पता है कि टाइम क्या होता है एक क्लॉक है क्लॉक के ऊपर सारे टाइम टाइम दिए गए हैं वी गो है क्लॉक है, है कितने बजे क्या काम हो रहा है मैंने फोर बना दी है चले टू कर देते हैं इसको ठीक हो गया हम अगर बात करें कि ये टाइम हो गया और क्लॉज क्या क्लॉज मैंने आपको बताया था क्लॉज दो चीजों का मिक्सचर है ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक सब्जेक्ट दिया है प्लस वर्ब दी गई है लेकिन एट द सेम टाइम ये एक सेंटेंस नहीं होता ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता ये एक क्लॉज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और और वर्ब होता है अगर इसको मिला के टाइम के साथ लिखा जाए तो ये टाइम क्लॉज बन जाता है एग्जाम्पल हमने कल देखी थी उनको देखते हैं एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं इफ आई आई रोट आई रिमेंबर आई वेंट फॉर द डिनर एट सेवन ओ क्लॉक ठीक है अगर मैं बात करूं कि मैं रात सात बजे डिनर के लिए गई तो जो सात बजे वाली बात थी वो क्या थी टाइम क्लॉज आई वेंट आउट फॉर डिनर अराउंड सेवन ओ क्लॉक ठीक है ये आ गया अराउंड सेवन ओ क्लॉक हमारा क्या आ गया ये टीसी टीसी मीन्स हमारा टाइम क्लॉज देखे फर्स्ट इनिशियल मैंने आपको बताया था यूज करने हैं आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट ऐसे यूज किया वेंट आउट आउट से मतलब हमारी क्या है जी ये है फ्रेजल वर्ब या इसको वर्ब का नाम देंगे दे ठीक है हमने बात की किसके लिए इसको भी आइडेंटिफाई कर देते हैं ये हमारा गया ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर सारी बातें आ गई और इसको मिला के हम क्या कहते हैं ये एक टाइम क्लॉज है अगर हम खाली क्लॉज की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि वो सेंटेंस नहीं होता ये कभी सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इस केस में हमारे पास जब टाइम क्लॉज की बात आ रही है तो ये प्रॉपर सेंटेंस भी है खाली क्लॉज की बात करें तो वो सेंटेंस नहीं होता जैसे फ्रेजेज होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट दिया गया हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह नहीं होते ठीक है मूविंग ऑन टू दर्ड पार्ट थर्ड पार्ट हमारा था फ्रेजल वर्ब्स के बारे में अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है हमने बताया था जो एक फ्रेज से निकली हैं जो फ्रेज के साथ यूज की जाती हैं यानी कि ये भी दो चीजों का मिक्सचर होती हैं इसके अंदर हमारे पास एक वर्ब होती है वर्ब के साथ क्या चीजें ऐड की जाती हैं दो चीजें एक एडवर्ब होगी एडवर्ब हमें बताता है कि वर्ब किस टाइम पे हाउ वेन वेर किस टाइम पे किस जगह पे किस डिग्री के ऊपर किस टाइम पे किस जगह हमारा जो ये वर्ब है वो था और उसके बाद हम साथ इसके लगाते हैं प्रेपोजिशंस प्रेपोजिशन हमारी क्या हो गई ये वर्ब इसकी प्रेपोजिशन हमारी हो गई पोजिशंस ठीक है पोजिशन की हम अगर बात करें ठीक हो गया अगर यहां पर मैं लिख लेती हूँ वट एंड वेन दो बातें लिखते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अब सबसे पहले हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं जो हमने कल देखी थी हमने लिया था वर्ड टेक टेक के हमने साथ दो वर्ड लगाए थे जो थे एक टेक आउट या इन और एक हमने लिया था टेक आफ्टर ठीक है या टेक बैक चलो ये दोनों बातें जो हैं ये दोनों वर्ड्स जब टेक के साथ लगेंगे तो जो ये वर्ड्स बनाते हैं उनको कहा जाता है phrasal verbs एक और नाम मैंने आपको इसका बताया था वो था idiomatic verbs यानी ये इसका है सेकंड नेम ठीक हो गया ये हमारी हो गई रिवीजन सो so, दोस्तों ये थी हमारी सिर्फ रिवीजन का पार्ट चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है लेसन 2 और जो है जिस बारे में वर्ड्स के बारे में आइए चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ सो डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर एक पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर की स्टेटमेंट लिखी है मैच द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स यहाँ पर हमारे पास आठ तस्वीरें दी गई हैं और आठ तस्वीरों के साथ उनके अंदर एक एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी गई है आपका काम क्या है आप तीन पिक्चर्स को देखना है गौर से एक एक पिक्चर को देखें फिंगर के साथ उसको एड्रेस करें देखें कि उसमें क्या बात हो रही है क्या दिया गया है पिक्चर में कौन से कैरेक्टर्स हैं कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ताकि आप जब पिक्चर की डिस्क्रिप्शन कर सकें मिस मिसा को बता सकें तो उस टाइम पे आपको पता हो कि उस पिक्चर में एक्चुअली था क्या नंबर्स आपने याद रखने हैं यहाँ पर एट पिक्चर्स है और एट पिक्चर्स के साथ एट पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन है ठीक है इसको आपने सॉल्व करना है और इसके बारे में आपने क्या करना है बात करनी है आपने उन उन से को उन को सेंटेंसेस सेंटेंसेस मैच करना है यहाँ मैंने बोर्ड पे यहाँ पर भी लिखे हैं और आपकी बुक के अंदर भी दिए गए हैं ठीक है पिक्चर्स के साथ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने उनको मैच करना है सेंटेंसेस के साथ एल्फाबेट दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लें नंबर वन आपने क्या करना है एक एक पिक्चर को देखें उस एक, -एक पिक्चर को देखने के बाद आप देखें ओके okay, किस बारे में बात हो रही है लुक फॉर द सेंटेंस कहां पर है सेंटेंस आप सेंटेंस यहां से देखें और उसके बाद आपने क्या करना है उसको यहां पर नंबर करना है आप नंबर कर लें या बुक पे लाइंस बना लें इट्स टोटली अप टू यू जैसे मेरे स्टूडेंट्स करना चाहें हम यहाँ पर मैंने कुछ एक एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है नंबरिंग आपने खुद देनी है लेकिन मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपकी आसानी के लिए लीड दे दी है आप जब अपना काम कर लें इस वीडियो को पॉज करें उस टाइम आपने अपना काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर वापस आना है बोर्ड पे देखना है और जो वर्ड्स यानी जो नंबर मैंने लिखे हैं उनको आपने टैली करना है वेरीफाई करना है कि आया जो काम आपने किया है वो सही था या नहीं था कि आपका काम बिल्कुल ठीक होगा। okay, so read करते हैं। अब अब देखें ये हमारी, ये हमारी की description दी गई है। अब मैंने ये blue में है? ये blue में में क्यों लिखे हैं? मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये हमारी कौन सी वर्ब्स है कौन मुझे जल्दी से बताएगा वेल well डन ये है हमारी फ्रेजल वर्ब्स ठीक है जिनको हमने किस तरह यूज किया है वर्ब के साथ हमने प्रेपन ऐड की है कि हेडिंग फॉर वेयर वेयर इट वेयर इट इज हेडेड फोर वो कहा जा रही है सो इट इजेड फोर द बीच सो मैंने हर सेंटेंस में दी गई जो हमारी फ्रेजल वर्ब थी उसको मैंने ब्लू में लिखा रेड से बबल बनाया आपकी बुक में उसको इटेलिक्स में लिखा गया इटैलिक्स क्या होते हैं अभी बताती हूँ इटेलिक्स से मुराद आपकी बुक में सारे वर्ड स्ट्रेट लिखे हैं लेकिन जो फ्रेजल वर्ब है वो किसमें लिखी हुई है थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई है स्लैंटिंग लाइन के साथ ठीक है सो so, ये हमारी थी फ्रेजल वर्ब जिनको एक दफा पढ़ लेते हैं The speedboat is heading for the beach. She takes after her mother. They are both good. Wet cement. Keep off the path. During our trip we came upon a deserted village. The guard dog went for the burglar and bit his leg. They had little food but got through the winters. जो आस्क यू आई से पुलिस आर लुकिंग इन टू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट अब देखें एक बात बड़ी कॉमन है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जब हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं उनको सेंटेंसेस में यूज किया जाता है उस टाइम पे हम उनका पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं हम उनको चेंज कर देते हैं उनका वर्ब चेंज किया जाता है आप देखें कि सारी मोस्टली जो यहां पर है ये देखें ये वाली नंबर फाइव ये हमारी क्या है पास्ट में लिखी गई है ये भी पास्ट में है दिस इज ऑल्सो इन पास्ट दिस इज ऑल्सो दिस इज प्रेजेंट ठीक है अब आपने ये चीज में रखनी है कि हम इसकी सेंटेंसेस के साथ इसको पास्ट पासिस में भी बना सकते हैं ये थी एक्सरसाइज नंबर वन ये कंप्लीट करने के बाद आज चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट में जहां हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर टू में क्या दिया गया हमारे लिए और आइए उसको सॉल्व करते हैं ओके सो पार्ट टू हमारा है एक्सरसाइज टू इज अबाउट कंप्लीट सेंटेंस यूजेस

पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा वो क्या बन जाएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं नंबर वन इज ग्रैंडमा डैश माय फ्रेंड रॉबर्ट आई सेड ही वाज फाइन व्हिच वन शुड आई राइट हियर आस्क आफ्टर टेक आफ्टर गो फॉर हेड फॉर कम अपॉन लुक इनटू कीप ऑफ और गेट थ्रू कम ऑन टेल मी व्हिच वन वेल डन हम लिखेंगे आस्क आफ्टर लेकिन हमने क्या लिखना है इसको किस में चेंज करना है पास्ट में तो so, जब पास्ट में लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे इसके साथ ईड आस्क्ड आफ्टर ठीक हो गया ये हमारा बन गया पहला सेंटेंस तो हो गया कंप्लीट इसके ऊपर हम एक टिक लगाते जाएंगे साथ-साथ ताकि हमें पता चलता जाए कि हमने कौन सा इसमें फ्रेजल वर्ब यूज कर लिया है और बाकी कौन-कौन से रिमेनिंग रह गए हैं जिनको हमने यहां पे फिल आउट करना है सबसे पहले उसके बाद आते हैं नंबर 2 में Robert Dash his father and decided to become a doctor What will we write here? Come on, tell me take after, go for, head for, come upon, look into, get through or keep off. Well done. Take off family can get took off. Take will change into took and it will be written as took after number three.

one he head for go for come up keep off he came upon the possibility of a job at a hospital but didn't get one number 5 the gardener was cutting the football pitch so the boys dashed the grass what will come here head for look into keep off ठीक है सो द बॉयज केप्ट ऑफ द ग्रास क्योंकि हमने इसका पास्ट बनाना था हमने इसकी वर्ब चेंज करनी थी तो हमने इसको पास्ट में लिख दिया फोर ऑफ द बॉयज वेंट फॉर अ वॉक एंड डैश द सी फोर ऑफ द बॉयज वेंट फॉर अ वॉक एंड हेडेड फॉर हेडेड ठीक है पास्ट पार्टिसिपल लगा के पास्ट में चेंज किया headed for the sea. Okay, we are only left with two, and हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो हैं. Came upon भी हो गया. उसके बाद moving on. They walked out of the out of town and dash an old farmhouse. दो points हैं हमारे पास सिर्फ दो verbs हैं. Look into or go for. They looked into. ठीक है, है उन्होंने क्या किया

इनको पास पार्टिसिपल लगा के इनको पास में इनकी वर्ब भी चेंज कर ली और ये तो थी एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर आप यहां पर देख रहे हैं ये ऐसी है जो आपने अपने घर पर सॉल्व करनी है ये मेरी तरफ से आपका है एक छोटा सा होमवर्क ठीक हो गया ये था आपका आज का लेसन और आपको मैं बता चुकी हूँ आज का होमवर्क क्या था जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा आज हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है और हमने सबसे पहले लेसन के क्या स्टार्ट किया था हमने आज रिव्यू किया था कि हम लेसन वन में क्या पढ़ चुके हैं ठीक है हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े और हमने टाइम क्लॉस के बारे में सीखा सो so, दोस्तों ये था आज का लेसन मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले लेसन में अल्लाह हाफिज